सर नमस्कार, बताएं सर पहले तो कि छुट्टियां उट्टियां कैसी रही आपकी? अरे छुट्टी क्या अनिल जी, ट्रैवल था और बाहर वापस दुबई गया हुआ था। वहां तो आप मान सकते हैं कि इंडिया इंडिया शाइनिंग है। तो मुझे कहीं अचंभा होता है कि सच सच में क्या है और झूठ क्या है। और उसका आपको सीधा जवाब देता हूं, क्रेडिट स्विस ने सबसे बड़ा लॉस दिया है अपनी हिस्ट्री में, आपने शायद पढ़ा होगा। करेक्ट. और उसका शेयर 85% डाउन है इन द लास्ट 1 ईयर, इन द लास्ट 2 ईयर्स। सॉफ्ट बैंक ने $6 बिलियन का लॉस, और आप स्टेट बैंक देख नहीं रहे जिसने 14,500 करोड़ का एक क्वार्टर में प्रॉफिट दिया है। LIC ने 8,000 करोड़ का प्रॉफिट, और बैंक ऑफ बड़ौदा जिसने 4,000 करोड़ का प्रॉफिट। सो आप अनिल जी, आप कहते हो आपके कुत्ते का नाम टॉमी है, मेरा कुत्ता कुत्ता है। तो आप तय कर लो आप किस तरफ सर हो, ऐसा नहीं है. नहीं 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 नहीं, नहीं 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 सर सर ऐसा नहीं है. इसको पंजाबी में बोलो. हाँ हिंदी में इसका मजा हिंदी में है ही नहीं सर. अच्छा थोड़ा कुत्ता टॉमी ने साडा कुत्ता कुत्ता नहीं, साडा कुत्ता कुत्ता, थोड़ा कुत्ता टॉमी. ये जो रेटिंग एजेंसीज हैं, इट्स अ ब्लेटेंट गेम। आप देख रहे हो $100 बिलियन का, जिसने भी सेलिंग की है उसको पहले से प्री डोमिनेटेड था। मैं उसमें जाऊंगा नहीं। नफा नुकसान अनिल जी इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, आई कैनॉट चेंज दैट, बट डोंट मिस द वुड्स फॉर द ट्रीज। 14,000 करोड़ का सिप आया जनवरी में, कभी नहीं आया, और आधे से ज्यादा लोग इस टिप्पणी में रहते हैं कि रिटेल फ्लोज विल गो अवे। दूसरा अनिल जी, मैं फिर कहता हूं, मैं दुबई एयरपोर्ट पे गया हूं, मैं अबू धाबी, GMR इज 4 times more traffic, 3 नई एयर स्ट्रिप्स आ रही है। जिस तरह की सेल मैंने GMR में देखी है, मैंने शायद ही किसी एयरपोर्ट में देखी है। और मुझे आई एम प्राउड टू से दैट आई एम इन इंडियन एंड आर एयरपोर्ट्स आर हैंडलिंग 4 times more traffic। साथ में एरो सिटी इज सीइंग रिकॉर्ड बिजनेस, जो इंडियन होटल ने नंबर में दिखाया है। GMR विल शो यू इवन बेटर नंबर्स ऑन दैट। ए बी अनिल जी, फेड कैन नॉट मेक अप इट्स माइंड। कभी सुना है कि जॉब्स, सारे देश कहते हैं हमारे यहाँ जॉब्स की ग्रोथ आई, इकोनॉमी चले। आप कहते हो जॉब्स की ग्रोथ ना आए, रिसेशन आ जाए। तो आप पहले तय कर लो आप किस नंबर में हो। दूसरी बात, इन्फ्लेशन इज हेडेड लोअर, RBI इज मस्ट द मोस्ट मेच्योर सेंट्रल बैंकर आई हैव सीन, एंड आई हैव नो टू वेज टू से दैट इंडिया इज अ मस्ट बाय। अगले हफ्ते या इस हफ्ते चलेगी या नहीं, ये कोई बात नहीं है। अगले हफ्ते आपको 18,200 के दर्शन हो जाएंगे। दूसरी बात, आपने अडानी देख लिया, आपने फेड देख लिया, आपने RBI देख लिया, आपको चीज रह तो गई पिक्चर पे, और आपने देख भी लिया कि आपके रिजल्ट क्या आ रहे हैं। बैंकों के रिजल्ट देखिए अनिल जी। तीसरा बार, टेस्ला का शेयर 3 जनवरी को $103 है, कल $215 हो गया है। तो फेस द रियलिटी, EVs आर हियर। टाटा मोटर का भाव कुछ भी नहीं चला, 500 का भाव आपको दिख जाएगा 31 मार्च से पहले, ये मैं दावा करता हूं। लास्टली अनिल जी, लुक एट व्हाट हिंडाल्को हैज गाइडेड, that the worst of recession fears are over, Novelis is come out of the woods, the China factor is playing very positively, and I think metals will be shining their way and making money. तो अनिल जी ये सब टिप्पणी ये मेरे को ये बताती है कि 18,200 तक ऊपर जाने की उम्मीद 100% हो गई है अगले हफ्ते। अब चाहे वो मंडे को आए या ट्यूजडे को आए, आफ्टर द फेड मीट, कोई दो राय नहीं। अपना दिल भर के लीजिए जो माल आपने लेना है। इन इन अटकलियों में मत रहना कि आपका कुत्ता टॉमी है और मेरा कुत्ता कुत्ता। चलिए बढ़िया, तो ये आपके लिए बाजार पर पूरा का पूरा आउटलुक बताए वसीन साहब। अब इस वक्त क्या क्या, कहां कहां खरीदारी करने का मन है आपका? अनिल जी देखिए, 4-5 शेयर कहूंगा, थोड़ा वॉलिटिलिटी को संभालिए। मैं आपको अपडेट दे दूं अनिल जी, 4-5 महीने से मैं IT कहता था, कोई पूछता नहीं था। इंफोसिस, HCLTech और परसिस्टेंट, देखिए क्या आउट परफॉर्मेंस है। 1-2 महीने पहले मैं आपको कैनफिन कहता था 465-70, 500, आज 605 बिक गया। मदरसन सुमी, आपका ABB कमिंस और L&T में तो अभी शुरुआत है, तो आप डोंट मिस द नेक्स्ट 2-3 months, बैंक्स विल बाउंस बैक इवन फास्टर देन दैट, एंड PSUs विल लीड द वे। अनिल जी आज की टॉप पिक अगेन मेरी है टाटा मोटर। देखिए टेस्ला का मुकाबला अगर आप किसी शेयर से करते हो वर्ल्ड वाइड, इट इज टाटा मोटर। दे आर सीइंग द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ग्रोथ, एंड नाउ चाइना इज बैक, प्लस अनिल जी उनका स्लोवाकिया यूनिट इज सीइंग रिकॉर्ड बिजनेस एज फार एज सेल्स गो इन यूरोप। टाटा मोटर इज अ मस्ट हैव, 475 का टारगेट है, 425 या 26 का आप स्टॉप लॉस रखिए आपकी अबिलिटी पे, लेकिन राइट दिस शेयर फॉर अ 15% अपसाइड। सेकेंड अनिल जी, वेदांता, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर वेदांता ने ₹30 तो डिविडेंड दे दिया, और जिस तरह से हिंडाल्को की प्रक्रिया या उनकी टिप्पणी है, वेदांता इज अ स्टील, 450 का भाव होना चाहिए, तो ₹400 के भाव के लिए आप कीजिए।
keep a stop loss of 300 or 295 because of the volatility, but Vedanta is a no-brainer. 30 rupees dividend deta and the company is saying it's the best of health. Tisra Anil ji, Tata Chemical, aapko batao, bada sad incident hua ke Turkey aur Syria mein ye earthquake aaya. Shayad aapko pata nahi, Turkey is the biggest supplier of soda ash. And soda ash and Maersk is going, is in a standstill waha. Soda ash prices are going through the roof. Tata Chemical is the biggest producer in India and in the Asian region. मेरे को लगता है टाटा केमिकल कैन बी रीरेटेड बाय 10% 1100 का टारगेट आपको दे रहा हूं लेकिन इस कारण से नहीं कह दिए देयर नंबर्स आर वेरी वेरी स्ट्रांग एंड द न्यू हाइव ऑफ बिजनेस इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल तो ये 1010-12 में टाटा केमिकल लीजिए 990 का स्टॉप लॉस 1050 और 1075 का टारगेट चौथा अनिल जी आपको जीएमआर में कई बार भी कह सकता हूं लेकिन आज मैं प्राउडली कहता हूं कि जिस तरह से हमारे एयरपोर्ट्स का विश्लेषण हुआ है I think GMR is a scream on the AeroCity buy. 43 ka target hai, 3750 ka stop loss. And last but not least, Anil ji, Larsen & Toubro. I think it's a must have. Aapne ABB Cummins aur Siemens ke results dekhe hain. Aur main aapse fir kehta hoon ke Larsen is a must have in your portfolio. To ye hai aapke liye kuch better stock Bhasin sahab ki taraf se aate hue. टाटा मोटर वेदांता टाटा केमिकल जीएमआर एलएनटी 5 स्टॉक हैं जहां पर भसीन साहब ने बुलिश बहुत बहुत धन्यवाद भसीन साहब लंबे समय बाद एक बार फिर से जुड़ने के लिए और आपसे फिर मुलाकात होगी दोपहर 1:30 बजे और 2:45 बजे